बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज़ अबाउट नॉर्मलाइजेशन। फर्स्ट हम प्रीवियस लेक्चर ओवरव्यू देख लेते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर है उसमें हमने पढ़े थे सब क्यूरीज। सब क्यूरीज बेसिकली हमारे पास जब भी हमने मल्टीपल टेबल्स को प्रोसेस करना होता है, उनसे कोई डाटा रिट्रीव करवाना है या कोई डाटा डिस्प्ले करवाना है या कोई डाटा फेच करना है या किसी डाटा को प्रोसेस करना है, तो उसके लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक हम लोगों के पास जॉइंस हैं और एक हम लोगों के पास सब क्यूरीज हैं। जो जॉइंस हैं बेसिकली वो जब हम चाहते हैं कि हमारे पास मल्टीपल टेबल से डाटा डिस्प्ले हो जाए तो तब हम जॉइंस यूज़ करते हैं, और जो सब क्यूरीज हैं वो बेसिकली हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ कुछ सिलेक्टिव डेटा को डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। रिट्रीव कर लिए हम डिस्प्ले जो है वो सिलेक्टिव रिकॉर्ड को करना चाह रहे हैं, और उसके लिए हम लोग बेसिकली सब क्यूरीज यूज करते हैं। जो सब क्यूरीज हैं बेसिकली वो आपके पास क्यूरी विद इन अ क्यूरी होते हैं। उसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक हमारे पास आउटर पार्ट होता है और एक हमारे पास इनर पार्ट होता है। जो इनर पार्ट है डैट इज बेसिकली सब क्यूरी, और जो आउटर पार्ट है डैट इज कॉल्ड अ मेन क्यूरी। हमेशा जब भी क्यूरी एग्जीक्यूट होती है तो सबसे पहले इनर पार्ट एग्जीक्यूट होता है, सब क्यूरी एग्जीक्यूट होती है, और उसके बाद मेन क्यूरी एग्जीक्यूट होती है। जो इनर क्यूरी, जो सब क्यूरी का रिजल्ट होता है वो हमारे पास एज ए इनपुट यूज होता है फॉर आउटर क्यूरी और फॉर मेन क्यूरी। तो और जो सब क्यूरीज है उसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं कि हम किस तरह से उस सब क्यूरी को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इन का ऑपरेटर यूज़ करते हैं, और उस इन के ऑपरेटर में हम सब क्यूरी ऐड कर देते हैं, और उसका जो रिजल्ट होता है वो हम यूज़ करते हैं एज ए इनपुट फॉर आउटर क्यूरी। इसी तरह से हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन का, ग्रेटर देन का और इक्वल टू का साइन यूज़ करके। और हम सब क्यूरीज में कोई एग्रीगेट फंक्शंस भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे हम चाह रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एवरेज कैलकुलेट हो और हमारे पास जो उसका रिजल्ट आए वो हम एज ए आउटर क्यूरी में इनपुट यूज़ कर सकें। इसी तरह से हम कुछ एग्रीगेट फंक्शंस यूज़ करते हैं, हम कुछ ग्रुप फंक्शंस यूज़ करते हैं, और हम सब क्यूरी यूज़ करते हैं। सब क्यूरी में हमेशा पहले जो इनर क्यूरी है जो कि सब क्यूरी है वो एग्जीक्यूट होगी, और उसके बाद हमारे पास आउटर क्यूरी एग्जीक्यूट होगी। ओके, जो आज का लेक्चर है वो हमारे पास बेसिकली है नॉर्मलाइजेशन से रेलेवेंट। हमें नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, और वेल स्ट्रक्चर रिलेशन बेसिकली होता क्या है, फंक्शनल डिपेंडेंसीज क्या हैं, नॉर्मलाइजेशन के स्टेप्स क्या क्या हैं, और हम ये एग्जांपल के साथ सॉल्व करेंगे कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है कि हम अपने डेटा को, हम अपने रिलेशंस को नॉर्मलाइज फॉर्म में लेके आएँ। नॉर्मलाइजेशन होती क्या है, इसकी हमें ज़रूरत कब पड़ती है, क्या क्या टाइप्स हैं नॉर्मलाइजेशन की, और हम एग्जाम्पल के साथ सॉल्व करेंगे। और इस नॉर्मलाइजेशन में जो जो कॉन्सेप्ट्स यूज़ होते हैं लाइक फंक्शनल डिपेंडेंसी, लाइक ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, लाइक वेल स्ट्रक्चर्ड रिलेशन, तो हम ये देखेंगे कि ये एक वेल स्ट्रक्चर्ड रिलेशन बेसिकली है क्या और किस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। डेटा नॉर्मलाइजेशन इज प्राइमरली अ टूल टू वैलिडेट एंड इम्प्रूव अ लॉजिकल डिज़ाइन सो दैट इट सेटिस्फाई सर्टेन कंस्ट्रेंट्स दैट अवॉइड अननेसेसरी डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिंग रिलेशन विद एनोमलीज टू प्रोड्यूस स्मॉलर वेल स्ट्रक्चर्ड रिलेशन। जो डेटा नॉर्मलाइजेशन है वो बेसिकली हम करते क्यों हैं, हम अपने जो लॉजिकल डिज़ाइन है बेसिकली हमारे पास जो डेटा बेस का, हम उसको इम्प्रूव करने के लिए, इम्प्रूव इन द सेंस कि उस डेटा में कोई भी डेटा डुप्लीकेशन ना आए, डेटा अननेसेसरी डुप्लीकेट ना हुआ हो, कॉपीड डेटा ना हो, और दूसरा ये कि हम कुछ एनोमलीज रिमूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इंसर्शन एनोमली है, अपडेशन एनोमली है, डिलीशन एनोमली है, हम इन एनोमलीज को रिमूव करते हैं। इनको रिमूव करके, अननेसेसरी डुप्लीकेशन को रिमूव करके हमारे पास एक वेल स्ट्रक्चर्ड रिलेशन बन जाता है, और उसको हम कहते हैं कि ये एक नॉर्मलाइज्ड रिलेशन है जिसमें कोई भी फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है, कोई भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं है, कोई भी एनोमली नहीं है, आइदर इट्स इंसर्शन एनोमली, इट्स डिलीशन एनोमली, इट्स अपडेशन एनोमली, और इसे कोई भी डुप्लीकेशन नहीं है किसी भी डेटा की, तो हम कहेंगे कि वो डेटा या वो रिलेशन जो है वो टेबल नॉर्मलाइज फॉर्म है। वेल स्ट्रक्चर्ड रिलेशन बेसिकली हम वो बोलते हैं जो कि एक नॉर्मलाइज फॉर्म में है जिसमें किसी भी किस्म की एनोमलीज नहीं है, और वो नॉर्मलाइज भी है और कोई ना कोई एनोमली नहीं है उसमें। अ रिलेशन डैट कंटेन्स मिनिमल डेटा रिडंडेंसी एंड अलाउ यूजर्स टू इंसर्ट, डिलीट एंड अपडेट रोज विदाउट कॉजिंग डेटा इनकन्सिस्टेंसी।
कि हमेशा अनोमली का मतलब ये कि जैसे जो इंसर्शन अनोमली या डिलीशन अनोमली या मॉडिफिकेशन अनोमली या अपडेट अनोमली, इसका मतलब ये कि जब भी हम कोई भी डाटा ऐड करें, इंसर्ट करें, डिलीट करें या अपडेट करें, तो हमारे पास डाटा इनकन्सिस्टेंट नहीं होना चाहिए। हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा कि डाटा इनकन्सिस्टेंसी क्या है, कि आपके पास डाटा हर जितने भी उससे रिलेटेड टेबल्स हैं, क्योंकि रिलेशनल डाटा बेस है तो जितने भी रिलेटेड टेबल्स हैं उनमें डाटा जो है वो डिफरेंट ना आ रहा हो, सेम डाटा डिफरेंट ना आ रहा हो, और एक ही टेबल में, एक ही रिलेशन में, एक ही जगह पे डाटा की डुप्लीकेशन भी ना हो, और इस वजह से जो है वो डाटा क्या ना हो, कंसिस्टेंट डाटा हो, डाटा इनकन्सिस्टेंसी किसी भी टेबल या रिलेशन में शो ना हो, तो हम कहेंगे कि जी वो बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड रिलेशन है। गोल इज़ टू अवॉइड अनोमलीज। बेसिक गोल क्या है वेल स्ट्रक्चर्ड रिलेशन का, कि हम उसमें अनोमलीज को रिमूव करें। अब तीन तरह के अनोमलीज हैं आपके पास, इंसर्शन अनोमली, डिलीशन अनोमली एंड मॉडिफिकेशन अनोमली। जो आपके पास इंसर्शन अनोमली है, डैट इज एडिंग न्यू रोज फोर्सेस यूजर टू क्रिएट डुप्लीकेट डाटा, ठीक है। कि इंसर्शन अनोमली ये कि जब हम कोई भी नई रो ऐड करें, नया रिकॉर्ड ऐड करें, तो वो डाटा डुप्लीकेट हो रहा है, कॉपी हो रहा है बहुत बार, इस चीज़ को ओवरकम करना। इसी तरह से डिलीशन अनोमली जो है, डैट इज डिलीटिंग रोज मे कॉज अ लॉस ऑफ डेटा डैट वुड बी नीडेड फॉर अदर फ्यूचर रोज, अदर फॉर फ्यूचर रोज, यस ओके। डिलीशन अनोमली इस तरह से कि हम कोई ऐसा डेटा या रिकॉर्ड डिलीट कर रहे हैं जो कि हमें नेक्स्ट फर्दर रिक्वायर्ड है उसका, या फिर नेक्स्ट फर्दर रोज के लिए रिक्वायर्ड है डेटा। इसी तरह से मॉडिफिकेशन की, अगर हम एक रो में या डेटा में चेंज कर रहे हैं तो उसमें जितनी भी डुप्लीकेट डाटा है वो सब मॉडिफाई हो जाएगा, वो सब चेंज हो जाएगा, बेशक हमें इसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं है। फॉर एग्जांपल कि एक दो यूज़र्स हैं और उनके नेम सेम हैं और उसमें कोई इस तरह की एनोमली है, तो उसमें अगर मैं किसी एक का फ़ोन नंबर चेंज कर रही हूँ यूज़र के अगेंस्ट, किसी यूज़र नेम के अगेंस्ट, और वो यूज़र नेम डुप्लीकेट है, तो वो क्या करेगा, दोनों के अगेंस्ट जो है फ़ोन नंबर अपडेट कर देगा। तो इस तरह की जो एनोमलीज हैं उनको हमें रिमूव करना होता है इन ऑर्डर टू अटेन अ वेल स्ट्रक्चर्ड रिलेशन। और जनरल रूल ऑफ थम इज अ टेबल शुड नॉट परटेन टू मोर देन वन एंटिटी टाइप, ठीक है, कि एक से ज़्यादा एंटिटी टाइप नहीं होनी चाहिए, उसकी डिफरेंट एंटिटी टाइप्स होंगी तो तब हमारे पास डेटा रिडंडेंसी या डेटा इनकंसिस्टेंसी के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। दिस इज एन एग्जांपल, इज दिस अ रिलेशन, इज दिस अ टेबल, ओके, आंसर येस, यूनिक रोज एंड नो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, कि आपके पास जो रोज हैं वो यूनिक हैं, कोई भी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं है। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट का मतलब है कि आपके पास मल्टीपल वैल्यूज हैं, जैसे मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट क्या है कि स्किल इज बेसिकली ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, और उस एक यूज़र के अगेंस्ट मैं उसकी मल्टीपल स्किल्स ऐड करती हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये है कि कोर्स टाइटल है सी प्लस प्लस कोर्स, जैसे ये दो यूज़र से ही हैं, तो अगर मैं यहाँ पे इसका रिकॉर्ड ना लिखूँ, यहाँ पे मैं इसका सेम रिकॉर्ड लिख दूँ, तो डैट विल क्रिएट अ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट एंड डैट विल क्रिएट एन अनोमली। इसलिए हम क्या करते हैं, हम एक एटॉमिक एट्रीब्यूट, एटॉमिक रिकॉर्ड रखते हैं, एटॉमिक एट्रीब्यूट्स रखते हैं। व्हाट्स द प्राइमरी की, डैट इज बेसिकली अ कंपोजिट प्राइमरी की, एंड कंपोजिट प्राइमरी की इज बेसिकली एन एम्प्लॉय आईडी एंड दिस द कोर्स आईडी। तो कंपोजिट की होती है वो बेसिकली क्या होती है, ये कंपोजिट प्राइमरी की क्या होती है, जो कि एक या दो एट्रीब्यूट से मिलके बनती है। जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी भी और कोर्स टाइटल दोनों जो हैं वो क्या हैं, कंपोजिट की हैं, कि दोनों जो हैं वो यूनिक होना ज़रूरी है। एनोमली टेबल में हमारे पास क्या, इंसर्शन, डिलीशन एंड मॉडिफिकेशन। कांट इंटर अ न्यू एम्प्लॉय विदाउट हैविंग द एम्प्लॉय टेक अ क्लास, ठीक है, कि जब तक आपके पास, आप नया एम्प्लॉय नहीं ऐड कर सकते जब तक आपके पास एक न्यू क्लास ऐड नहीं होती। इफ़ वी रिमूव एम्प्लॉय 140 वी लूज इन्फॉर्मेशन अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ टेक्स एक्ट क्लास, ठीक है। अगर हम 140 वाला एम्प्लॉय डिलीट कर देते हैं तो हमारे पास टेक एक्स क्लास वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो भी डिलीट हो जाएगी। क्यों डिलीट हो जाएगी, तो डैट इज़ बेसिकली अ कंपोजिट की, दिस इज अ डिलीशन। मॉडिफिकेशन, गिवन अ सैलरी इंक्रीज टू एम्प्लॉय 100 फोकस फोर्सेज अस टू अपडेट मल्टीपल रिकॉर्ड। अगर अपने हमने 100 के अगेंस्ट जो है वो रिकॉर्ड को अपडेट करना है, तो वो रिकॉर्ड इस वाले 100 के अगेंस्ट भी अपडेट हो जाएगा, तो वो मल्टीपल रिकॉर्ड्स हमारे पास अपडेट हो जाएंगे, वो कोई एक एम्प्लॉय के अगेंस्ट रिकॉर्ड अपडेट नहीं होगा। ओके, ये हमारे पास एनोमलीज क्यों आ रही हैं, इस वजह से आ रही हैं क्योंकि हमारे पास दो थीम्स चल रही हैं, दो एंटिटी टाइप्स चल रही हैं एट ए टाइम, एक
टेबल में, इस वजह से हम जो भी कुछ ऐड कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं या मॉडिफाई कर रहे हैं तो वो एनोमलीज क्रिएट कर रहा है। अब दो थीम्स किस तरह से चल रही हैं, एक कोर्स की थीम भी चल रही है और एक एम्प्लॉय वाली थीम भी चल रही है। तो इसका बेहतर तरीका क्या होगा कि हम एनोमलीज कैसे डिलीट करेंगे, कि हम इस एम्प्लॉय वाली थीम, एम्प्लॉय वाली टाइप को अलग कर देंगे और हम इस कोर्स वाली टाइप को अलग कर देंगे, ताकि हमारे पास जो भी अगर हम इंसर्ट कर रहे हैं, डाटा डिलीट कर रहे हैं या अपडेट कर रहे हैं या मॉडिफाई कर रहे हैं, तो हमारे पास एनोमलीज क्रिएट ना हो। ओके, नेक्स्ट इज बेसिकली ए फंक्शनल डिपेंडेंसी। द वैल्यू ऑफ वन एट्रीब्यूट द डिटरमिन डिटरमिन द वैल्यू ऑफ अनदर एट्रीब्यूट। दैट इज बेसिकली फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है कि एक फॉर एग्जाम्पल एक्स बिलोंग्स टू वाई, इसका मतलब है कि एक वैल्यू जो है वो दूसरी वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट है और उसकी वैल्यू जो है वो उस वक्त तक नहीं एग्जीक्यूट होगी जब तक एक्स की वैल्यू एग्जीक्यूट नहीं होगी। कैंडिडेट की एक यूनिक आइडेंटिफायर है, वन ऑफ द कैंडिडेट की विल बिकम द प्राइमरी की। फॉर एग्जाम्पल पर हैव देयर इज अ बोथ क्रेडिट नंबर एंड SSN इन अ टेबल, इन दिस केस बोथ आर कैंडिडेट की। ठीक है, ईच नॉन की फील्ड इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन एवरी कैंडिडेट की। अब जो कैंडिडेट की है, जो कि ग्रुप ऑफ कीज से मिलकर बनाए, दो या दो से ज़्यादा एट्रीब्यूट से मिलकर बनाए, उसमें जो नॉन की एट्रीब्यूट होंगे, नॉन की फील्ड्स होंगी, वो बेसिकली किसी ना किसी एक के ऊपर डिपेंड कर रही होंगी। अब फंक्शनल डिपेंडेंसी या तो फुल डिपेंडेंसी होगी या फिर पार्शियली डिपेंडेंसी होगी। तो अभी हम आगे देखते हैं कि फुल डिपेंडेंसी और पार्शियल डिपेंडेंसी क्या। फंक्शनल डिपेंडेंसी इन एम्प्लॉय वन एंड फंक्शनल डिपेंडेंसीज इन एम्प्लॉय टू। अब यहाँ पर क्या है कि ये फंक्शनल डिपेंडेंसी है, ये एम्प्लॉय आईडी जो है इसके ऊपर, ये सैलरी, डिपार्टमेंट नेम एंड नेम इसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। इसी तरह से इधर एम्प्लॉय जो आईडी है वो नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी पे डिपेंड कर रहा है, और जो कोर्स टाइटल है वो डिपेंड कर रहा है डेट कंप्लीटेड पे। तो ये क्या है, ये फंक्शनल डिपेंडेंसी है, ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है और ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, और ये दोनों आपस में क्या है, कंपोजिट कीज है। ये देखिए, एम्प्लॉय आईडी जो है वो नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी पे डिपेंड कर रहा है, एम्प्लॉय आईडी एंड कोर्स टाइटल जो है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, डेट कंप्लीटेड पे। तो क्या है, डिटरमिनेंट एट्रीब्यूट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ एरो इज अ फंक्शनल डिपेंडेंसी। कि एम्प्लॉय आईडी और कोर्स आईडी क्या है, फंक्शनल डिपेंडेंसी है इस डेट कंप्लीटेड के ऊपर। ठीक है, और ये दोनों क्या है, बेसिकली कंपोजिट की है। स्टेप्स के नॉर्मलाइजेशन में हमारे पास सबसे पहले टेबल अगर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट में है तो उसमें हम मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट डिलीट करेंगे तो टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। हम टेबल में से पार्शियल डिपेंडेंसी रिमूव कर देंगे तो टेबल सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज हम रिमूव करेंगे तो हमारे पास थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। हम रिमेनिंग एनोमलीज मल्टीपल कैंडिडेट्स की को रिमूव कर देंगे तो हम बॉयज स्क्वाड नॉर्मल फॉर्म में, बीसी नॉर्मल फॉर्म में आ जाएंगे। इसी तरह से हम मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी डिलीट करेंगे तो फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में, इसी तरह से बाकी हम रिमेनिंग एनोमलीज रिमूव करेंगे तो हमारे पास फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में आएगा। अब हम देखते हैं कि नॉर्मल फॉर्म है क्या। ये आपके पास एक टेबल है, ठीक है, टेबल विद मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। ये एक सिंपल टेबल है आपके पास और इसमें मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट क्या है, दिस इज अ प्रोडक्ट आईडी 7, 5 and 4, इसी तरह से 11 and 4 मल्टीपल रिकॉर्ड है। अब हम इसको मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट रिमूव किस तरह से करेंगे, अब हम इस 5 के अगेंस्ट भी इधर रेफ पे रिकॉर्ड एंटर करेंगे सारा और 4 के अगेंस्ट भी, इसी तरह से इधर हम प्रोडक्ट आईडी 4 के अगेंस्ट ये वाला सारा रिकॉर्ड रिमूव करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म आ जाएगी। हर एट्रीब्यूट की यूनिक एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए, जैसे ये अब हमने इधर 7, 5 और 4 के अगेंस्ट ये कॉमन वैल्यू सी, इधर हमने रिकॉर्ड फिल की है। ठीक है, तो मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट की आपने हर एट्रीब्यूट के अगेंस्ट उसकी एटॉमिक वैल्यू लिखनी है। ओके, हमने ये तो रिमूव कर दी है बट इसमें अभी भी हमारे पास डिपेंडेंसी मौजूद है। ठीक है, अगर हम डिपेंडेंसीज को रिमूव करेंगे तो तब हम किसके ऊपर आ जाएंगे, बेसिकली सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में। जैसे ये ऑर्डर आईडी और प्रोडक्ट आईडी है, ये दोनों आपस में डिपेंडेंट हैं। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट आईडी किसके ऊपर डिपेंडेंट है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट फिनिश एंड यूनिट प्राइस पे। इसी तरह से ऑर्डर आईडी एंड प्रोडक्ट आईडी डिपेंडेंट हैं किसके ऊपर, ऑर्डर क्वांटिटी के ऊपर। और खाली ऑर्डर आईडी किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ऑर्डर डेट, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम एंड कस्टमर एड्रेस के ऊपर। अब हम इससे फंक्शनल इंसर्शन, डिलीशन और अपडेशन एनोमलीज डिलीट करेंगे। ये आपके पास देखें टेबल है, ऑर्डर आईडी इज फुली डिपेंडेंट ऑन दिस order quantity and product id, and order id is dependent on this order date, customer id, customer name and customer address. इसी तरह से product id partially depend कर रहा है product description पे, product finish and unit price पे। अब हमने इसको remove करने के लिए क्या करेंगे, order id
प्रोडक्ट आईडी और ऑर्डर क्वांटिटी, ये तीनों हम अलग एक एंटिटी बना लेंगे, रिलेशन बनाएंगे उसमें ये तीन एट्रीब्यूट्स। एक टेबल हम बना देंगे ऑर्डर आईडी का और उसमें ये सारे एट्रीब्यूट्स, और एक टेबल हम बना देंगे प्रोडक्ट आईडी के नाम से, उसमें हम प्रोडक्ट आईडी और ये प्रोडक्ट वाले टेबल होंगे। ओके लुक एट दिस, ये हमने रिमूव किया ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी और ऑर्डर क्वांटिटी, ये तीनों फुली डिपेंडेंट है, इनको अलग कर दिया, ये पार्शली डिपेंडेंट है, प्रोडक्ट आईडी इन तीनों चीज़ों के ऊपर है, इसी तरह से ऑर्डर आईडी इसके ऊपर डिपेंडेंट है। अब ये क्या है, ये पार्शियल डिपेंडेंसीज हमने रिमूव किए, और फुल डिपेंडेंसी रिमूव करके हमने टेबल को किसके ऊपर ले आए हैं, बेसिकली सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में, जब हम इसके अंदर से पार्शियल आइडेंटिफाई रिमूव करेंगे। अब हम अगर इसको जो अब इस वाले टेबल में, अब आपने ये अलग से रिलेशन बना दिया, लेकिन इसमें एक जो कस्टमर आईडी है वो कस्टमर नेम और कस्टमर एड्रेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ऑर्डर आईडी इन सब पे डिपेंड कर रहा है और कस्टमर आईडी इन सब के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो उसके लिए और ऑर्डर आईडी जो है ये कस्टमर आईडी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। दिस इज फॉर एग्जांपल जस्ट एक्स बिलोंग्स टू वाई एंड वाई बिलोंग्स टू जेड, दिस इज अ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को भी रिमूव करते हैं बाय यूजिंग अ फॉरेन की। अब क्या किए, ऑर्डर आईडी और कस्टमर आईडी, अब ये कस्टमर आईडी डॉटेड क्या है, फॉरेन की है, जो कि हम एक अलग से टेबल बनाएंगे कस्टमर आईडी का, उधर उसकी प्राइमरी की होगी और उसके बाकी एट्रीब्यूट्स होंगे, तो ये हमारे पास थर्ड नॉर्मल फॉर्म बन गई, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी भी रिमूव होगी। इस तरह से आपके पास ये चार टेबल्स बनेंगे, एक कस्टमर वाला, एक ऑर्डर का, एक ऑर्डर लाइन और एक प्रोडक्ट। अब हमने इस एक ही टेबल को इन चार टेबल्स में ब्रेक कर दिया, इन ऑर्डर टू रिमूव द पार्शियल डिपेंडेंसी, इन ऑर्डर टू रिमूव द ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, इन ऑर्डर टू रिमूव द फुल डिपेंडेंसी एंड इन ऑर्डर टू रिमूव द मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। हमने इस एक टेबल को मल्टीपल उसमें हमने डिवाइड कर दिए चार टेबल्स में, अब ये एक टेबल ब्रेक हो गया, ताकि हम ये सारी एनोमलीज और ये सारी जो चीज़ें उनको हम रिमूव कर सकें।